हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमएससीडी एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमयू मुंबई पोर्ट कैंपस के प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। यहां पे हम लोग 2016, 2017, 2018 और 2019 की बात कर रहे होंगे। 2020 का डेटा अवेलेबल नहीं है आईएमयू की वेबसाइट पे, इसलिए हम उसका बात नहीं कर पा रहे होंगे यहाँ पे आपसे। अगर किसी के पास पूरा डेटा अवेलेबल है तो वो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और फिर हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। पर कंप्लीट डेटा होना चाहिए, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट एंड सेकंड वेटिंग लिस्ट, ओके। ये चार स्टेप्स में काउंसलिंग हुई थी पिछले साल, तो आप उसका पूरा डेटा हमको कमेंट सेक्शन में बताइए तो हम उस पूरा वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रीवियस ईयर कट ऑफ ऑफ आईएमयू मुंबई बोर्ड कैंपस फॉर बीटेक मराइन इंजीनियरिंग, ओके। इस वीडियो में बीटेक की ही बात कर रहे होंगे मराइन इंजीनियरिंग में, और किसी ब्रांच की बात नहीं करेंगे जो वहां पे चलती है, ठीक है। क्योंकि बाकियों में जो एडमिशन प्रोसेस है वो इससे नहीं होता है किसी एग्जाम के थ्रू, वो थोड़ा अलग प्रोसेस होता है, क्योंकि जीएमई होता है वहां पे एक ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स, उसका आईएमयूसीटी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसका एक अलग कट ऑफ कुछ होता है, बट इससे लेना देना नहीं होता। जैसे आपका एमबीए, बीबीए, बीएससी, ये सब आईएमयूसीटी के थ्रू होता है, पर वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो जैसा कि हर वीडियो बता देता हूँ रिजर्वेशन के बारे में, 20 सीट्स अंडमान एंड निकोबार के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, 10 लक्षद्वीप, 40 नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग सिक्किम, और 10 J&K के बच्चों के लिए अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। और पूरा आपको अकेडमिक ब्रोशर में दिख जाएगा क्या क्राइटेरिया है इनका रिजर्वेशन देने का, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बीटेक मराइन इंजीनियरिंग की। मतलब सबसे पहले क्या, यही एक लौती ब्रांच है यहाँ पे जिसमें हम बात कर रहे होंगे। तो 2016 का बात करते हैं, तो आप जैसे देख पा रहे हो 27 रैंक ओपनिंग था, 394 क्लोजिंग था। 2017 की बात करो, 17 ओपनिंग था, 2849 क्लोजिंग था। 2018 का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 2019 की बात करें तो 103 रैंक ओपनिंग थी और 965 क्लोजिंग रैंक थी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी रैंक अराउंड 600 के आसपास है, तो आप काफ़ी ज़्यादा सेफ साइड हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। 600 भी नहीं, मैं तो कहूँगा 700 तक भी आएगी तो भी आप काफ़ी सेफ रहेंगे। EWS कैटेगरी की बात करें, 54 रैंक ओपनिंग थी 2019 में और 747 रैंक क्लोजिंग रैंक थी 2019 में। तो भी वही है, अगर आपकी रैंक 750 के आसपास है तो EWS कैटेगरी का रैंक और नीचे जाएगा इस साल, क्योंकि पहले अवेयरनेस कम होती थी, अब ज़्यादा हो गई है, तो रैंक थोड़ा और नीचे जा सकता है EWS का, ओके। अब OBC कैटेगरी की बात करते हैं, 62 ओपनिंग रैंक थी 2016 में, 981 क्लोजिंग रैंक थी 2016 में, और 2017 की बात करें, 407 ओपनिंग रैंक थी 2017 में, 3995 क्लोजिंग रैंक थी 2017 में, 2019 में 109 ओपनिंग थी और 2457 रैंक क्लोजिंग रैंक थी OBC कैटेगरी की। तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपका रैंक आता है लगभग 2500, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपको सिलेक्शन होने के। SC कैटेगरी की 1500 लगभग ओपनिंग रैंक थी 2016 में, 8000 रैंक क्लोजिंग रैंक थी 2017 में, 226 ओपनिंग रैंक थी और 9000 लगभग आपकी क्लोजिंग रैंक थी 2017 की बात करें। 19 की बात करें, 615 रैंक आपकी ओपनिंग रैंक थी, 281 रैंक क्लोजिंग रैंक थी। तो अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शनल हो गया, बट अगर आपकी 5 से 6 हज़ार के आसपास रैंक आ रही है, 5 to 6 thousand फ्रॉम SC कैटेगरी, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ST की बात करें तो देखो, 1000 रैंक पे ओपनिंग रैंक गई है 2016 में और 9787 रैंक पे क्लोजिंग रैंक गई है ST की। 2017 की बात करें, 1269 रैंक, 1269 रैंक गई है ओपनिंग रैंक और 16334 गई है क्लोजिंग रैंक 2017 में। 2019 की बात करें, 1647 रैंक ओपनिंग रैंक गई है 2019 में, 8243 रैंक क्लोजिंग रैंक गई है ST कैटेगरी की 2019 में, ठीक है। तो अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी रैंक 10000 के आसपास है, तो आपका सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं 2020 के बारे में एक बार, ठीक है। 2020 का क्या चक्कर है, ठीक है। 2020 में काउंसलिंग की दो लिस्ट आई थी पहले, ठीक है। क्या हुआ था, पहली लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट आई, उसके बाद तीसरी और चौथी लिस्ट वेटिंग लिस्ट आई। तो पता है क्या हुआ, कॉलेजेस में अवेयरनेस बहुत कम थी, पिछले साल रैंक लिस्ट बहुत अजीब सी आई थी, पहले ऐसा होता नहीं था,
पहले टॉपर से ऊपर वाली ही रैंक बच्चों को एडमिशन मिलता था, पर पिछले साल इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई थी चारों तरफ, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कैसे होना है क्या होना है। ठीक है, तो उसके चलते थर्ड वेटिंग लिस्ट और फोर्थ वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ काफी नीचे गई थी। ठीक है, तो अब अपनी काउंसलिंग समझदारी से भरिएगा, मैंने बाकी वीडियोस में भी समझा दिया बाकी कॉलेजेस की, काफी समझदारी से भरिए, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और जल्दी भरिए, 27 तारीख का ही लास्ट डेट है अपनी काउंसलिंग लिस्ट भरने की। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई एम यू सिटी एस्पिरेंट्स साइनिंग ऑफ।